तो बच्चों, हीट एंड एनर्जी चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है ना? एंड काफ़ी यूजफुल टॉपिक है एंड काफ़ी वेल नोन टॉपिक है, मतलब काफ़ी फेमस टॉपिक है. आप लोग इसके बारे में जरूर सुने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप समझिएगा. देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, यहाँ पे आपको एक हाउस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं ना जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है. ठीक है ना? पूरे साल जो है टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो ठंड की वजह से मर जाते हैं, मतलब वो जो है वो ग्रो नहीं कर पाते. तो इस टाइप का एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जो कि मोस्टली जो है वो बना होता है ग्लास का, शीशे का, कांच का. ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि डे के टाइम पे सन की रेज इसके अंदर एंटर करती है. ठीक है ना? सन की रेज जब आती है तो वो स्मॉल वेवलेंथ की होती है. अब वेवलेंथ क्या होता है, तो जब रेज आती है तो वो वेव के फॉर्म में आती है, और उस वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. तो स्मॉलर वेवलेंथ वाली रेज होती है जो आराम से एंटर कर जाती है, लेकिन रात के टाइम जब बाहर ठंड बढ़ जाती है और अंदर का भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो वेव जो वेव आती है वापस बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि बाहर जा रही टाइम उनका वेवलेंथ कम हो जाता है. देखिए, अगर आप बुक को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इन अ ग्रीन हाउस द रेडिएंट हीट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ कमिंग फ्रॉम द सन इजिली पासेस थ्रू द ग्लास एंड हैंस वार्म द इंटीरियर ऑफ इट. और वो सन की रेज इसके अंदर पास करती है और इसके इंटीरियर को, मतलब इस ग्रीन हाउस के इंटीरियर को वार्म करती है, मतलब गर्म करती है. बात समझ में आ रहा है? उसके बाद, हाउ एवर एट नाइट द रेडिएंट हीट गिवेन आउट बाई द इंटीरियर ऑफ द ग्रीन हाउस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. रात के टाइम में वापस से हीट को लॉन्गर वेवलेंथ के तौर पे बाहर फेंका जाता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता. ठीक है ना? देखिए, लोअर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेवलेंथ. समझ में आ गया? अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा रेडिएंट हीट का, एंड हैंस कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास. ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होता है ये आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहां आप समझिए कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी, और वेवलेंथ बड़ी होगी तो वो ग्लास के थ्रू पास नहीं कर पाएगी. दस द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रीन हाउस. और इसकी वजह से जो गर्मी है वो उस ग्रीन हाउस के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, मतलब फंस जाती है. और इसकी वजह से रात के टाइम पे भी अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में अंदर का टेम्परेचर कम सॉरी ज्यादा रहता है, मतलब यहाँ पे अंदर गर्मी बनी रहती है. और इसकी वजह से इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो इजिली ग्रो कर पाते हैं. समझ में आ रहा है? फिर से बताओ, बाहर से रेज आती है दिन के टाइम में, अंदर आती है और रात में वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, और अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, और अंदर जो हमारे पौधे लगे हुए हैं इस ग्रीन हाउस के अंदर वो इजिली ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड से उनको नुकसान जो पहुँचता है वो इसके अंदर नहीं पहुँचता. समझ में आ रहा है? ऐसे हाउसेस को हम ग्रीन हाउस कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. बात समझ में आ रही है? अब इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या रिलेशन है? ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल का मतलब क्या होता है? जो पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई चीज जो पूरे अर्थ पर हो रही है उसे हम ग्लोबल कहते हैं. वार्मिंग का मतलब क्या है? गर्म, मतलब गर्मी जो पूरे अर्थ पर हो रही है, गर्मी जो बढ़ रही है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. अब समझिएगा कि ये जो चीज हो रही है ना, कि रेस आई और वापस जा नहीं पाई, गर्मी आई वापस जा नहीं पाई, गर्मी इसके अंदर रह गई, वही सेम चीज हमारे अर्थ पे होता है. ये जो हमारा अर्थ है, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना? ये मान लीजिए अर्थ है. इस अर्थ पर जो हमारा एटमॉस्फियर है ऊपर, इस एटमॉस्फियर में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. ये गैसेस क्या करती हैं कि जैसे यहाँ पे नहीं रेज अंदर आती हैं, गर्मी फैलती है, बाहर जा नहीं पाती, सेम चीज जब सन की रेज अंदर आती है अर्थ पर, तो ये वापस जाने से ये रोक लेती हैं. ये एक तरह से चादर जैसा काम करती हैं, ब्लैंकेट जैसा काम करती हैं, और ये रेज को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ देती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट को ये रोक लेती हैं. समझ में आ गया? जिससे अर्थ पर एक सामान्य टेम्परेचर बना रहता है. सपोज अगर ये
ये ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें हम कहते हैं इस कॉम्बिनेशन को, अगर ये नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता और यहाँ पर लाइफ नहीं होती। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ताकि ये सन की रेज को आने देती हैं, मतलब हीट को आने देती हैं और बाद में हीट को, मैक्सिमम हीट को रोक लेती हैं और कुछ हीट ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। मतलब रेज जाती है, हीट भी जाती है साथ में, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम हीट को, मैक्सिमम गर्मी को वो रोक के रखती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर सामान्य बना रहता है और ये लाइफ के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है। अब अभी तक तो ये ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसान तेजी से फैक्ट्रियां लगाते जा रहा है, जैसे इंसान तेजी से जंगलों को काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, प्लास्टिक का यूज कर रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, इसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस भी जो है, मोस्टली यही दोनों गैस, वैसे ये ज़्यादा ठीक है ना, ये गैस बहुत तेजी से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे मैक्सिमम गर्मी जो अर्थ पर आ रही है वो वापस नहीं जा रही है और धीरे धीरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या प्रॉब्लम है, जिससे हमारे अर्थ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ के पहाड़ जैसे हिमालय पर हैं या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल्स पर हैं, वो सब बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। जो उनका मेल्ट होने का जो सिस्टम है, जो रेशियो है, उससे बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। अब देखो, अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो जो हमारे अर्थ के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से मेल्ट हो जाएंगे। तेजी से मेल्ट होंगे तो न्यू ग्लेशियर बनने में टाइम लगेगा, मतलब मेल्ट जल्दी होंगे, बनेंगे लेट से, तो धीरे धीरे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट होंगे तो वो सारा का सारा जो बर्फ है वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे जो नदियां हैं और वो हमारे ओशियंस हैं, समंदर हैं, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि अगर यहां पर कुछ डिस्टर्बिंग आवाज यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा आप लोग इसको बर्दाश्त कीजिएगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा समुद्र का लेवल है, ये हमारा जो ओशियन का सी का ये लेवल है, लेकिन ग्लेशियर के पिघलने से अब ये लेवल बढ़ गया है, यहाँ तक आ गया है। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे समुद्र के पास के एरियाज हैं ना वो डूब जाएंगे। समझ में आ रहा है, जो हमारे रिवर्स हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा तो उसके आसपास के जो एरियाज हैं वो भी डूब जाएंगे। तो पहले तो ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पानी आ जाएगा ओशियंस में, रिवर्स में, जिससे लेवल बढ़ जाएगा और जगह जगह बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब तेजी से वो मेल्ट हो जाएंगे, एक टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि न्यू बन नहीं पाएंगे, उसके पहले मेल्ट हो जाएंगे, तो ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। तो आप जानते हैं ग्लेशियर्स ही धीरे धीरे मेल्ट होते हैं तो वहां से नदियां निकलती हैं, वही नदियां फिर जाके समुद्र में मिलती हैं तो हमारा समुद्र बनता है। तो जब ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, वो जो नदियां हैं वो खत्म होने लगेंगी। समझ में आ गया, और कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जितनी भी मेजर रिवर्स हैं वो सब सूख जाएंगे, जिससे उसके आसपास जो रहने वाले एरियाज हैं, जहाँ पे जो लोग नदियों के भरोसे रहते हैं, जो भी फर्टाइल जमीनें होती हैं वो नहीं रह जाएंगे। तो ये सब बहुत ही खराब है, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही टफ चीज़ है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है फ्यूचर में हमारे लिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा, हमें मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस का जो है वो प्रोडक्शन कम करना होगा। प्रोडक्शन नहीं करते, वैसे हम दूसरी फैक्ट्रीज में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जो वेस्ट गैसेस निकलती हैं उसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है धुएं के तौर पे। समझ में आ रहा है, तो इसका ये ना निकले ये हमें कम करना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, ठीक है ना। कोयले को जलाने से बचना होगा, जो कोल होता है ना उसके जलने से भी निकलता है, ये सब जलाने से बचना होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यही था आपका, इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस के जैसा ही ये काम कर रहा है। जैसे ग्रीन हाउस से रेज आती हैं, अंदर रुक जाती हैं और अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि आता है और ये ब्लैंकेट की तरह हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ये गैसें इसको रोक लेती हैं और टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता था अब तक, लेकिन अब बढ़ने लगा है। समझ में आ रहा है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
अब देखिए आपके इस बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे एनिमेशन के थ्रू आपको ये समझाया गया है। क्योंकि मैंने बताया बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही वेल नोन टॉपिक है, तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वहां पे इसको आप आसानी से एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या इफेक्ट है? द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर एज फॉलोज। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्नो एंड आइस नियर पोल्स विल स्टार्ट मेल्टिंग फास्ट, गिविंग राइज टू द लेवल ऑफ सी एंड रिवर्स विच मे कॉज डैमेजिंग इफेक्ट। तुमने जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स जल्दी से, जो आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, स्नो हैं, वो तेजी से मेल्ट हो जाएंगे और सी और रिवर्स का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। ड्यू टू राइज इन सी लेवल आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस एट पोल्स एंड ग्लेशियर्स, द कोस्टल एरियाज विल बी बैडली अफेक्टेड कॉजिंग ग्रेट लॉस। बात समझ में आ रहा है? जो सी लेवल बढ़ जाएगा, जो कोस्टल एरिया है मतलब समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहां पे बाढ़ आ जाएगी, डूब जाएंगे कई सारे शहर, तो पूरे डूब जाएंगे। इट विल देन अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ सीरियल्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड क्रॉप। समझ में आ रहा है? तो हर तरह की जो अनाज है, फसल है, उन पे भी असर पड़ेगा। इट विल चेंज द क्लाइमेट कंडीशन कॉजिंग फ्लड ड्रॉट। समझ में आ गया? तो क्लाइमेट कंडीशन भी चेंज हो जाएंगे, जगह जगह सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, तो ये चीजें भी होंगी। सो मिनिमाइज द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, वी शुड हैव फॉरेस्टेशन एंड वी मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है ना, जैसे पेट्रोल डीजल, इनका यूज कम से कम, कोयला, इनका यूज कम से कम करना पड़ेगा, और हमें फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाना पड़ेगा। क्यों? अब जंगल क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जंगल क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ होता है ना, जो ट्री होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट नहीं करता मतलब ऑक्सीजन वो हमें देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस में थोड़ी कमी आ जाएगी। बात समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। आपको ये सब नहीं करना है, इसको पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है, एक तरह का ये मोरल साइंस भी हो गया आपके लिए। बात समझ में आ रहा है? तो इसको सिर्फ पढ़ना नहीं, इसको समझना है, ये फ्यूचर है तुम्हारा। ओके, सो ये चैप्टर हमने काफी अच्छे से खत्म कर दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल चैप्टर है, थोड़ा चैप्टर है, कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके क्लिक करिएगा, एक एनिमेटेड वीडियो आ जाएगा, वहां से भी इसको आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।